सफलता लेनी आए घर की समस्या लेकर के है, बीमारी थोड़ी बनी रहती, करियर जैसे कुछ नहीं करती है। यही बोलो हनुमान जी महाराज जी, किसी से तुम प्रेम करते हो बेटा, तुमसे तेज अपन आदमी, ये कालिका की लबेरिया भी बाद में आएगा, देख लो तुम, देखो जरा आखिर फार क्या लिखा, किसको किसको दिख रहा, देख लो। हम बेटा जानते हैं, हम किसी की निंदा नहीं करते, हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे तो तुम्हारी जिंदगी में आए सो आए, लेकिन भगवान की पूजा तुम करना, कृपा होगी तो मिल जाएगी, बलाय होगी सो। तुमने उसकी माने के लिए ठोकरे खाए, इतने लोगों से लड़े और वो बिगड़ जैसे, वो बिगड़ जैसे रही थी, तुमने कितने लोगों से उसको छुड़वाया जैसे। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी मैं हूँ सिद्धेश्वर धाम में और दिखाऊंगा आप लोगों को दिव्य दरबार, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। शांतिरंतर शिवं शांति पृथ्वी शांति 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 मनुष्य शांति विश्व देवा शांति 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 सर्वे सुखिना सर्वे सन्त निरामया सर्वे भद्रा पश्य हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। गजाननम भूतगणादिसेवितं कपीतजं भूफलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजं। वक्ततुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विधनं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। जाकी सेवा भाव से प्रसन्न भये प्रभुरा जैसे भगत हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर आए सुवासन बैजी तेज कुंज
कपिमीर नमो ब्रह्मण्ड देवाय गो ब्रह्मण्ड हिताय च जगद्दिदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः सीताराम Thank you.
जय श्री नंदन की जय बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय मैहर वाली माई की जय शारदा मैया की जय राम जानकी मंदिर बड़ा खाड़ा मैहर की जय अपने माता पिता की जय महात्माओं की संत पुरुषों की जय ईश्वर धाम की जय जग नारायण भगवान की जय जग नारायण भगवान की जय जग नारायण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय अयोध्या नगरी की जय अयोध्या नगरी की जय सुकमा वालों की जय सुकना वालों की जय विदेश वालों की जय और पूर्व वालों की जय सीताराम सीताराम हनुमान जी महाराज की जय। सभी को इन तेज से जयकारा एक बार बोल दे, बोले सिद्धेश्वर धाम की जय। क्योंकि देखो राम के जयकार से ही इंसान की जय जयकार है, लेकिन राम के जयकार से भूतों की भी जय जयकार है। राम के जयकार से इंसान की जय जयकार है ये सबको पता है, लेकिन राम के जयकार से भूतों की भी जय जयकार है। क्योंकि अगर भूत प्रेत नाचते हैं तो राम की बदौलत नाचते हैं, अब भूत प्रेत अगर मारते, अगर भूत प्रेत किसी को कुछ कहते हैं तो राम के बदौलत ही करते। अब ये बताओ तुम लोग स्वयं, राम जी कितने सरल है जो भूतों को भी कलयुग में बास दिए, और भगवान होते तो वो तो सोचते कि केवल राम राज्य रहे, रावण राज्य रहे। रावण होता तो रावण केवल एक ही काम करता कि रावण का राज्य रहे, लेकिन अगर राम राज्य है तो राम जी के साथ में भूत प्रेत पिशाच डाकनी सब घूमती है। जिस तरह कहते हैं कि अगर तुमसे कोई भारत का मतलब पूछे तो दो अक्षर में तुम उससे बता देना, बोल देना राम। बोलो सीताराम। आज शनिवार का दिवस, मंगलवार शनिवार को सिद्धेश्वर धाम में दिव्य दरबार लगता है। देखो जहां स्वयं हनुमान जी सिद्धेश्वर बालाजी की कृपा है, यहाँ ना दिखावटी कृपा है ना बनावटी कृपा है। सिद्धेश्वर धाम वो धाम है, किसी की बाप के क्षमता नहीं है, किसी में वो नहीं है। सिद्धेश्वर धाम में किसी के बाप के बैल नहीं चराया। देखो जो बालाजी किसी से डरे, क्योंकि कल के बातों से हम बहुत ज़्यादा वो हैं, क्योंकि कोई कल आया था ऐसे हमको बोल दिया था, जिसको हमको घर तोड़ने के लिए भी हमको बालाजी की शक्ति देखो प्रारंभ करना पड़ा। क्योंकि देखो अगर कोई बालाजी को बोलेगा तो हम देखो छोड़ेंगे नहीं, हम अभी भी हम कह रहे, अगर कोई हमको बोल लेगा तो हम वहाँ बिल्कुल पूर्ण बर्दाश्त कर लेंगे, अगर हमको कोई मारना चाहेगा तो मर भी जाएंगे, लेकिन अगर कोई बालाजी और राम के और हमारे गुरु के बारे में बोलेगा तो तुम समझो कि हम अभी अपनी पूरी शक्तियाँ और गुरु की कृपा से हम फिर किसी को छोड़ते नहीं। क्योंकि जो हम चाहते नहीं थे कल वो हनुमान जी के चरणों से देखो घटना हुई, कोई हनुमान जी के लिए ऐसा बोल दिया था जो हमारे लिए बड़ा असहनीय था, और हम बिना बड़ा सहनीय होकर के हमने उसको ऐसा लतेड़ा कि शायद वो कभी समाज में बैठने लायक भी हो। क्योंकि वहां हमारी प्रतिष्ठा नहीं थी, वहां बालाजी के नाक की चिंता थी। देखो तुम लोगों की नाक की चिंता थी। आजकल तुम लोगों को स्वयं पता है कि कैमरा इतने बबरे हैं, कैमरा इतने बगरे हैं कि अगर कोई कुछ भी बोले तो कैमरा वाले पहले चालू हो जाते हैं, पूछने वाला बाद में। हमको इसलिए बताना पड़ा, और उसके घर की ऐसी स्थिति हमने बताया जो हमको देखो कभी बताना नहीं चाहिए। गलती तो हुई हमसे, लेकिन गलती हुई है तो केवल बालाजी के लिए हुई, अगर हम वो गलती होती नहीं तो आज तुम इस दरबार में बैठ नहीं पाते। हम तो हनुमान जी से प्रार्थना किया करते कि अगर कभी गलती हो हमसे तो केवल राम के बदौलत ही हो। जहाँ राम की मान मर्यादा और जहाँ हनुमान जी की प्रतिष्ठा फंसी हो, वहाँ अगर गलती होगी तो उसको गलती नहीं कहते हैं, वहां स्वयं सत्य ही नारायण देखो। तुम आज पीली साइड पहने जो उसके बगल में बैठे हुए, अरे वहां आपको बालक आया, जय सीताराम बैठो। कहाँ से आए हो विधाता? बनारस से। जय विश्वनाथ। और बाबा की नगरी से आए, कैसे हो? ठीक है बाबा जी, आप बताइए। बाबा की नगरी से आए और हमसे पूछ रहे थे, विश्वनाथ जी की तो आपको कृपा है ना,
तो और वहाँ ठीक चल रहा है? अभी हम तुम्हारे बनारस आ रहे हैं बेटा, जो कि 15 मई से लेकर के 21 मई के बीच में हमारे वहाँ कथा करने का। बोलो सीताराम। पूछो प्रश्न पूछो सर। अगर हम सर होते तो तुम बिगड़ नहीं पाते यार। और सफलता लेनी आए घर की समस्या लेकर के, बीमारी थोड़ी बनी रहती करियर जैसे कुछ यही। बोलो हनुमान जी महाराज की। करो जो गए सो गए, जाने वाले के पीछे नहीं होना चाहिए। अब हनुमान जी से प्रार्थना करना कि अब कोई नहीं दिक्कत रहे। किसी से तुम प्रेम करते हो बाप बेटा? तुमसे तेज अपन आदमी ये कालिका भी लबेरिया भी बाद में आएगा। देख लो तुम, देखो जरा आखिर फार क्या लिखा, किसको किसको दिख रहा देख लो। हम बेटा जानते हैं, हम किसी की निंदा नहीं करते। हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे तो तुम्हारी जिंदगी में आए सो आए, लेकिन भगवान की पूजा तुम करना, कृपा होगी तो मिल जाएगी, बलाय होगी सो। उनसे पहले हम इनकर भी रखे क्योंकि हमको पता था। बोलो सीताराम चंद्र भगवान की जय। उसको तुमको तुमने पाने के लिए बड़ा कुछ किया, और इतना तुमने उसके पाने के लिए ठोकरे खाई, इतने लोगों से लड़े और वो बिगड़ जैसे रही थी, तुमने कितने लोगों से उसको छुड़वाया, जैसे कि बिगड़ो मत हम तुम्हारा साथ देंगे। बाद में उसने भी तुमको जो है कि चलो आशीर्वाद चिंता कर। ओम सिद्धेश्वराय नमः का जाप कर प्रतिदिन घर में जो है लौंग का पूजन किया है। शाम को धाम की पेशी जरूर करना, विशेष ध्यान रखना मंगल भजन दो पेशी को करना। बोलो सीताराम 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 सीताराम। तो गाइज कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को दिखाता रहूँगा। मिलते हैं गाइज नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय, जय सीताराम।